हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। हम लोगों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान ले और हमारे जो छात्र मुंगेर के जो यूनिवर्सिटी के जो नेता थे उनको भी मारा पीटा गया है, उनका इलाज चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पैरोल दिया गया था, इसी काम के लिए दिया गया था। जो जंगल राज चलाते हैं वही जंगल राज कायम करना चाहते हैं, असल में चेहरा उनका उजागर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जताया दुख। कहा कि जब उनकी निधन का खबर सुना तो बहुत दुख पहुंचा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने मतदान के दौरान मुंगेर में हुए मतदाताओं और पुलिस कर्मियों के बीच जो झड़प हुई है उसको लेकर एवं नीतीश कुमार की बात को उन्होंने एक बार फिर से दोहराया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 2014 में आए हैं उनको 24 में जाना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है आप इस वीडियो में सुनिए। सुशील मोदी जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। कल रात में हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा छात्र जीवन से ही रहा, और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो आज ऐसी सूचना मिली है, बहुत कम उम्र में जो है उनका कैंसर के द्वारा जो है मृत्यु हुई है, तो हम लोगों को इसका बड़ा दुख है। कल सर पुलिस कर्मी और मतदाता से मुंगेर में जो है झड़प, हम लोगों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान ले और गंभीरता से कार्रवाई करें। कई पुलिस के भी अधिकारी वगैरह प्रशासन द्वारा भी जो है इस तरह का काम किया गया। हमारे जो छात्र मुंगेर के जो यूनिवर्सिटी के जो नेता थे उनको भी मारा पीटा गया है, उनका इलाज चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पैरोल दिया गया था, इसी काम के लिए दिया गया था। जो जंगल राज चलाते हैं वही जंगल राज कायम करना चाहते हैं, असल में चेहरा उनका उजागर हो। जंगल राज यही है कि वोटरों को वोट मत देने दो, प्रत्याशी के गाड़ी को तोड़ो, हमारे नेताओं को पीटो, यही जंगल राज है। हार गए तो अब डर, तो अब तो 5 साल अब बैठना पड़ेगा बाहर, हार चुके हैं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। राजकुमार से बचिए, शहजादा के राजकुमार वो पीट जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लालू यादव जी और सुशील कुमार मोदी जी छात्र जीवन से ही एक दूसरे को जानते थे, दोनों का बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध था, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमारा जो आपसी संबंध था वो बहुत बढ़िया था। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुंगेर में मतदान के दौरान मतदाताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसकी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन
किया और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर वो संज्ञान लेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को दोहराई है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 2014 में आए हैं उनको 24 में जाना होगा, ये बात उन्होंने मुझे सिखाई और मैं अब इसी पर काम कर रहा हूं। और उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में बीजेपी की हार तय है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक News24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।